नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। पटना के 40 होटल में सुधार नहीं होने पर हो सकते हैं सील। बिहार में नर्स के 43% पद खाली। भारतीय क्रिकेट टीम को जल्द मिलेगा नया कोच। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश में पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना जमाबंदी और होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। पटना हाईकोर्ट की ओर से इस फैसले में अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख सितंबर महीना तय किया गया है। मालूम हो कि जमाबंदी की अनिवार्यता के बाद 60-70% तक निबंधन घट चुका है। इस फैसले का असर निबंधन विभाग के राजस्व पर भी पड़ा है। जमीन विवाद कम करने और फर्जी निबंधन पर अंकुश लगाने के लिए इसी साल 21 फरवरी से जमीन की अनिवार्यता को लागू किया गया था। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के समय में शिक्षा विभाग ने बदलाव किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपने एक आदेश में कहा है कि 16 मई से सुबह 6 से 12 बजे तक शिक्षक कार्य करेंगे। 12 बजे के बाद शिक्षक स्कूल में कमजोर बच्चों को मिशन दक्ष के तहत पढ़ाएंगे और इसके साथ ही वो बच्चों की कॉपियों की जांच आदि करेंगे। शिक्षक 1:30 बजे तक स्कूल से प्रस्थान करेंगे। विभाग की ओर से ये आदेश दिया गया है कि स्कूलों में बच्चों की 90% उपस्थिति को सुनिश्चित कराएं। मालूम हो कि स्कूलों में 15 मई तक गर्मी की छुट्टी है और इसके बाद स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए 1000 से अधिक युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। खबर राजधानी पटना से है। यहां पर अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 1700 से अधिक रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। इसमें आधे से अधिक युवा शामिल है। आपको बता दें कि इनकी उम्र 35 से 45 साल के बीच में है। मालूम हो कि अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। ये 19 अगस्त तक चलेगी। इसे लेकर पंजाब नेशनल बैंक और जम्मू एंड कश्मीर बैंक में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और इसके साथ ही कई लोग अलग अलग धार्मिक मंडलों के जरिए और व्यक्तिगत तौर पर रजिस्ट्रेशन करा भी रहे हैं। पीयू में दाखिले के लिए 30 मई तक करें आवेदन। पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत व्यवहारिक अर्थशास्त्र और वाणिज्य विभाग के द्वारा संचालित एमबीए में दाखिले के लिए आवेदन की तिथि 30 मई तक कर दी गई है। विद्यार्थियों के द्वारा कहा जा रहा था कि डिग्री रिजल्ट देर से निकलने और अध्ययन मैट स्कोर नहीं मिलने की वजह से वो आवेदन नहीं कर सके। आपको बता दें कि विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ ही विभाग के अध्यक्ष से भी आवेदन की तिथि को बढ़ाने की मांग की थी और इसके बाद तारीखों को बढ़ाया गया है। मालूम हो कि पटना विश्वविद्यालय का एमबीए बिहार का सबसे पुराना और ख्याति प्राप्त कोर्स रहा है। पटना के 40 होटल में सुधार नहीं होने पर हो सकते हैं सील। पटना के पाल होटल अग्निकांड के बाद फायर ऑडिट में शहर के 40 होटल डेंजर जोन में पाए गए हैं। इसमें 74 रेस्टोरेंट संवेदनशील की श्रेणी में पाए गए हैं। इन सभी होटलों को 1 महीने की मोहलत दी गई है। आपको बता दें कि अग्निशमन विभाग ने पटना के 560 होटल और रेस्टोरेंट का फायर ऑडिट करवाया था और उसमें यह आंकड़ा निकलकर सामने आया है। इन सभी होटलों को अधिकतम 1 महीने का समय दिया गया है। इन्हें आधारभूत संरचना समेत अन्य स्तर पर मानक के अनुरूप जरूरी बदलाव करना है। निर्धारित अवधि के बाद इन होटलों की फिर से जाँच की जाएगी। आपको बता दें कि दोबारा गड़बड़ी मिलने पर इन होटलों को सील कर दिया जाएगा। बिहार के बीएड कॉलेजों में बंद होगी इन 5 विषयों की पढ़ाई। बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। आईटीईपी लागू हो जाने के बाद अब राज्य के बीएड कॉलेजों में 5 विषयों की पढ़ाई बंद हो जाएगी। वो 5 विषय फाउंडेशन, समावेशी शिक्षा, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी, योजना और शोध और सामाजिक विज्ञान है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित कॉलेजों को यह आदेश दिया गया है कि बंद होने वाले विषयों के व्याख्याताओं का समायोजन होगा। व्याख्याताओं से सप्ताह भर में विकल्प मांगा गया है। हालांकि यदि कोई व्याख्याता अपनी मूल नियुक्ति के विषय में ही रहना चाहते हैं तो उन्हें इस बात की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल नहीं हुए सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल नहीं हुए हैं। पहले ये पीएम के नामांकन में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि वो प्रधानमंत्री के नामांकन में शामिल नहीं हुए हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के अस्वस्थ होने की वजह से आज उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है।
दरअसल पीएम मोदी ने आज वाराणसी से तीसरी बार काशी संसदीय क्षेत्र से नामांकन किया है। उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वो वाराणसी से भाजपा के तीसरी बार उम्मीदवार बनाए गए हैं। बिहार में 5 सीटों पर चौथे चरण में हुआ 56.85% मतदान। बिहार में 5 सीटों पर चौथे चरण में 56.85% मतदान हुआ है। साल 2019 की तुलना में वोटिंग का ये प्रतिशत कम है। आपको बता दें कि चौथे चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में शांतिपूर्ण मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान समाप्ति के बाद शाम के 6 बजे तक दरभंगा में 56.63%, उजियारपुर में 56%, समस्तीपुर में 58.10%, बेगूसराय में 58.40% और मुंगेर में 55% मतदान हुआ है। इन चुनावों में 55 प्रत्याशियों का किस्मत ईवीएम में कैद हो चुका है। बिहार में नर्स के 43% पद खाली। बिहार के सरकारी अस्पतालों में नर्स के करीब 43% पद खाली है। ए ग्रेड और एएनएम के कुल 47,183 पद स्वीकृत है। वर्तमान में कार्यरत 27,013 नर्स है। ए ग्रेड नर्स की 17,314 स्वीकृत पद है। इनमें 9,668 पदों पर लोग कार्यरत है, जबकि इधर बता दें आपको कि 12,524 पद रिक्त है। 29,869 नियमित एएनएम में सबसे अधिक स्वीकृत पद पटना जिले में 2,110 है। यहाँ पर वर्तमान में कार्यरत एएनएम की संख्या 1,133 है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 977 पद रिक्त है। जानकारी के अनुसार 10,709 एएनएम की बहाली का मामला अटका हुआ है। पुलिस ने 5 साइबर ठग को किया गिरफ्तार। बिहार के सहरसा जिले में पुलिस ने साइबर ठगी की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, लैपटॉप, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, टैबलेट सहित कई चीजों को जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस की पूछताछ में इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये लोगों को भ्रमित करके पैसों का लाभ देकर उनका एटीएम कार्ड और पासबुक ले लिया करते थे। उनके कार्ड और पासबुक का प्रयोग कर ये अपने ट्रांजेक्शन के लिए इसे इस्तेमाल करते थे। ये सभी आरोपी सहरसा जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि सभी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एक साथ पूरा किया है। सरकार की योजनाओं ने गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का सशक्तिकरण करते हुए राष्ट्रीय विकास को नए स्केल पर पहुंचा दिया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि केंद्र सरकार के कारण जनता में सरकार के प्रति और अपने भविष्य के प्रति एक विश्वास जगा है। हर क्षेत्र और वर्ग की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सरकार ने काफी कामों को किया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि जनता पीएम नरेंद्र मोदी को ध्यान में रखकर वोट दे रही है। कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। इन्होंने एनडीए के 400 सीटों पर जीत के दावे को पूरी तरह से खोखला बताया है। साथ ही इन्होंने कहा है कि 4 चरणों में चुनाव खत्म हो जाने के बाद मैं इस बात को दावे से कह रहा हूं कि इस बार एनडीए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी उस वक्त कहां पर थे जब कोविड-19 से यहां लोगों की जान जा रही थी। सुशील मोदी के अंतिम संस्कार में जेपी नड्डा होंगे शामिल। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना लाया जा रहा है और इसके बाद अंतिम दर्शन के लिए उनके शरीर को उनके आवास पर लाया जाएगा। यहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार उनके अंतिम संस्कार में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होने जा रहे हैं। वो शाम को 5 बजे पटना पहुंचेंगे। मालूम हो कि सुशील मोदी बीते कई दिनों से कैंसर से जूझ रहे थे। बीते दिन उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली है। वो यूरिनरी ब्लेडर कैंसर से पीड़ित थे। आपको बता दें कि सुशील मोदी को 9 अप्रैल को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। के सहनी और कांग्रेस पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं ने छोड़ा पार्टी का साथ। देश में अब तक 4 चरणों का मतदान हो चुका है। इसके बाद अब 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा। इसी बीच मुकेश सहनी और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। दोनों ही अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि इन दोनों पार्टी के नेताओं को सम्राट चौधरी ने भाजपा की सदस्यता दिलाई है। वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव मिश्रा और कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा सहित कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सम्राट चौधरी ने पार्टी में इनका स्वागत किया है। साथ ही कहा है
कि भाजपा लोगों की पसंद बन चुकी है। सम्राट चौधरी ने यह दावा किया है कि लोकसभा के चुनाव में भाजपा 400 का आंकड़ा पार करेगी। भारतीय क्रिकेट टीम को जल्द मिलेगा नया कोच। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच पद के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन को जमा करने की अंतिम तिथि 27 मई निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से भारतीय क्रिकेट टीम को नए कोच मिल जाएंगे। बीसीसीआई की ओर से आवेदन के लिए कई शर्तें लगाई गई है। इसके अनुसार आवेदन की आयु 60 साल से कम होनी चाहिए, साथ ही वो कम 30 टेस्ट या फिर 50 वनडे मैच खेले जाने चाहिए। बीसीसीआई ने नए हेड कोच पद के लिए आवेदन मांगे हैं। आपको बता दें कि नए कोच का कार्यकाल 31 दिसंबर 2027 तक का होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 9 मई, 10 मई, 11 मई या 12 मई? सही जवाब है 12 मई। भारत के स्टार जेवलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल अपने नाम किया है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है सिल्वर मेडल। किस बैंक ने 1 जून 2024 से निष्क्रिय खाते को बंद करने की घोषणा की है? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक? सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। पासपोर्ट पर वीजा छूट पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? मालदीव, मोल्दोवा, मलेशिया या भूटान? सही जवाब है मोल्दोवा। FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश? सही जवाब है चीन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है दीपक कुमार, रवि कुमार राम, वीत प्रकाश सिंह, राजकिशोर महतो, नंद कुमार सिंह, रंजीत मिश्रा, अर्जुन राम, मोहम्मद शकीर हुसैन, इंद्रभूषण रवि, अनवर करीम खान, सादुल्लाह पालवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, आपके अनुसार अभी स्कूलों की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।